अस्सलामुअलैकुम। इस पिक्चर में हमें दो ही क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें चेस की चार गीटियां हैं जिसको इंग्लिश में नाइट, किंग, क्रॉक और पॉन बोलते हैं और हम उर्दू में इसको घोड़ा, बादशाह, किला और सिपाही बोलते हैं। तो हमने सिपाही, कितने सिपाही एक किले के बराबर है, हाउ मच पॉन इज इक्वल टू वन रॉक, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए वीडियो को स्टॉप करें और आराम से इसको हल करके कमेंट्स में आंसर दें। तो चलो इसका आंसर मैं बताता हूं। पहले हम इक्वेशन नंबर टू पे जाते हैं। इक्वेशन नंबर टू में हम देखते हैं दो घोड़े हैं, एक रॉक है। तो एक घोड़ा और एक रॉक को अगर हम देखते हैं तो एक घोड़ा और एक रॉक की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में हमें साफ पता चल रहा है। एक घोड़ा और एक रॉक की वैल्यू इक्वल है एक सिपाही और एक बादशाह की। तो इस तरह हम इक्वेशन नंबर वन की ये जो एक घोड़ा और रॉक की वैल्यू हम अगर इक्वेशन नंबर टू में लगाते हैं तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर टू में एक घोड़ा, एक सिपाही और एक बादशाह, इसकी वैल्यू बराबर हो जाती है दो बादशाह की। अब हम इक्वेशन नंबर टू से एक एक बादशाह दोनों तरफ से हटा देंगे क्योंकि हमने दोनों तरफ वेट बराबर रखना है। तो अब हम एक बादशाह की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है। एक बादशाह की वैल्यू एक घोड़े और एक सिपाही के बराबर है। अब हम एक बादशाह की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में लगाते हैं। यह बादशाह की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन में लगाते हैं तो एक घोड़ा और दो सिपाही हम बन जाते हैं। अब ये दोनों तरफ से हम एक एक घोड़ा हटा देंगे तो एक रॉक बन जाता है और वो रॉक की वैल्यू हमारे पास दो सिपाही के बराबर आती है।